गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस पर दो वीडियो आप लोगों को बताया गया है, पार्ट वन और पार्ट टू, जो कि बेसिक कंसेप्ट उसमें बताया गया था। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो हम चाहेंगे कि पिछले जो वीडियो दो है, पार्ट वन और पार्ट टू, द्विघात समीकरण पर आधारित बेसिक कंसेप्ट को दिया गया है, उसको आप देखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम जो भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रश्नमाला को हम शुरुआत करते हैं, उसका पहले बेसिक कंसेप्ट को बताते हैं। बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद एग्जांपल्स, जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उसको बताते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज को हम बताते हैं, जिससे कि मेरा स्टूडेंट, मेरे हर स्टूडेंट को बिल्कुल कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आए, और एग्ज़ाम में कहीं से कोई क्वेश्चन या तो एग्जांपल से पूछे या एक्सरसाइज से पूछे या उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे, तो बेसिक कंसेप्ट इस प्रकार से बनाते हैं कि वह क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेगा, इतना मेरा विश्वास है। तो चलिए आज हम उदाहरण नंबर दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। ये चार क्वेश्चन जो दिया हुआ है उदाहरण दो में, इसमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये जानकारी इसमें देना है कि जाँच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए बताए थे पिछले वाले वीडियो में, जिस समीकरण के चर का घात दो हो वह द्विघात समीकरण होता है। यानी इसका व्यापक रूप को हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और क्वेश्चन में ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बताए थे। और यही इसमें चेक करना है कि चर का घात दो है या नहीं। अगर इस रूप का समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर इस रूप में x चर दो घात में नहीं होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। रूप यही है, रूप क्या है, ऐसा ही होना है। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कह लें, सामान्य रूप कह लें, मानक रूप कह लें, इस रूप में आता है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होता है, यानी चर का घात दो। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एट ए ग्लांस देखने से ही लगने लगेगा कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलेगा कि x का घात कितना है, तो उस स्थिति में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अंत में मालूम होता है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको मानक रूप बताए, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला में दिया, ये दो का पहला है ना, दिया है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, ये क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है, तो इसमें देखिए, इसमें पता नहीं चल रहा कि x का घात कितना है, इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं। आप लोग नीचे के क्लास में पढ़े होंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू, यानी टू ए बी, अब प्लस कितना बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, प्लस का 1 है 1 लिख देंगे, और इधर का तो ऐसे ही है 2x माइनस 3, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 दूना 4, माइनस का 4x आ गया, प्लस का 4 आया, प्लस का 1 भी आया, और इसको ऐसे ही लिख देना है 2x माइनस 3, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए
एक्स स्क्वायर लिख लिए, और यहाँ पर देखिए माइनस का 4x, माइनस का 4x लिख लिए, और 4 और 1 5 जो प्लस 5 लिख लेंगे, बराबर कितना हो गया 2x माइनस 3। यहाँ तक स्पष्ट है? अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 4x और ये प्लस का है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का ही हो जाएगा, तो माइनस का 2x प्लस 5 है इधर, बराबर के इधर में ही है, और इसको इधर लाएंगे, माइनस का इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाता है। ये समीकरण का नियम है, कि क्या है, समीकरण का नियम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर का, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है? अब इसको लिखेंगे, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4x और माइनस का 2x तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस कितना 5 और 3 8 बराबर 0। अब देखने से पता चला कि x का घात क्या है, 2 है, तो दिया गया जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है। लिख देंगे यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, ठीक है ना। अतः दिया गया समीकरण द्विघात द्विघात समीकरण है। हो गया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहां से कर लेते हैं, दूसरा को यहां से कर लेते हैं। दिया हुआ x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर का x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, जब एक बता दिया गया कि कैसे सॉल्व होता है तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, हाँ इसको देखिए, कि केवल एक सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ से लिख देते हैं, x है, x में गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 8 इधर का हो गया। अब इधर का कर लीजिए, x से दोनों में गुना कर लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और उसका माइनस का 2x, x से गुना कर लिए, अब कर लेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना 2x और फिर प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 4। अब जो कटने वाला है काट सकते हैं, ये 2x है, ये 2x कट गया, ठीक है। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये बराबर किधर में एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो आया कितना, आया आपको x इधर से आया x प्लस 8 और बराबर आपका आ गया कितना, माइनस 4। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस कितना 8 प्लस 4 बराबर कितना 12, तो कितना आ गया, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 12 बराबर हो गया 0। अब देखिए एक्स चर का घात, देखिए चर का घात यहाँ पर बताया गया व्यापक रूप में, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ रहा नहीं, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से देखिए एक बार, तो ये भी हो गया, दो भी हो गया। अब देखिए तीसरा, तीसरा को देखिए, स्पेस क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब तीसरा को देखेंगे, तीसरा और चौथा इसी स्पेस में बना लेना है। तीसरा में देखिए, तीसरा में दिया x इंटू टू एक्स प्लस थ्री बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। बिल्कुल अब आसान लगने लगा होगा, केवल चेक करना है कि द्विघात समीकरण का चर का घात कितना होता है। तो इसमें भी झलकता नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, कितना करेंगे, x से दोनों में गुना कर लीजिए, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बराबर का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब टू एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स लिखे और अंक को भी इधर ले आइए। अब तो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वन बराबर कितना, जीरो। अब कितना हो गया देखिए, टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस का वन बराबर जीरो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब देखिए इसमें क्या हो गया, यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जीरो के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है, लेकिन अगर ये बात को अगर लिख देते हैं तो अच्छा इंप्रेशन बनता है, इसीलिए लिखना चाहिए। अब अंतिम देखिए इसमें चौथा नंबर का, अब चौथा नंबर को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और चौथा केवल रहने देते हैं, जो कि ऊपर लिख लेंगे और फिर इसी में बना देंगे, इसी स्पेस में बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अच्छा तरीका से मिटा देते हैं, देखिए एक्सरसाइज को, हर एक सवाल को बारीकी तरीका से बनाना चाहिए, अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। चलिए हम लिख देते हैं चौथा, यहाँ पर लिख देते हैं चौथा, दिया हुआ क्या, x प्लस टू का होल क्यू दिए हुए इसमें और बराबर में एक्स क्यू माइनस का फोर, ये सवाल दिया हुआ है। अब हम इसको भी मिटा लेते हैं। अब देखिए ये a प्लस बी के होल क्यू पर आएगा, फॉर्मूला पर खोलेंगे इसको, ये आप 9 में भी पढ़े हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, यहां से लिख देते हैं, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर, यानी 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर और गुना कितना 2, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a आ जाएगा x, 3a बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू कर लेंगे बराबर का एक्स क्यू माइनस 4, तो दिया ही हुआ है। ये हम क्या किए, a प्लस बी के होल क्यू पर खोले तो ए क्यू
प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस इसको मानिए क्या ए, इसको मानिए बी, तो ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू पर खोल लिए, और ये तो है एक्स क्यू माइनस फोर तो दिया ही हुआ है जो कि हम लिख दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेना, एक्स क्यू प्लस कितना हो जाएगा, तीन दूना छः, छः एक्स स्क्वायर, तीन दूना छः एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस कितना दो दूना चार या बारह, बारह एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस दो दूना चार दूना आठ हो जाएगा, बराबर का एक्स क्यू माइनस फोर। यहाँ तक स्पष्ट है, अभी यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये एक्स क्यू है, एक्स क्यू को काट लिया गया, बराबर के इधर और बराबर के उधर कोई काम जोड़ने का, घटाने का, गुना करने का, भाग करने का, काटने का, कोई भी काम दोनों बगल कर देते हैं तो बात बराबर होता है, क्योंकि ये इक्वेशन का समीकरण का नियम है। अब देखिए अब क्या कर लेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, बारह एक्स तो है ही, अब प्लस आठ, और ये माइनस का इधर भी आ जाएगा, कर ही लेते हैं फोर, तो इधर कुछ नहीं आया तो जीरो आ गया, तो क्या हो गया, लिखेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना, बारह एक्स हो गया, अब प्लस बारह बराबर जीरो। फिर आप मिल गया, देखिए x का घात दो मिल गया, तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। वही बात को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जीरो के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।